स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की जनता का सियासी मूड जानने के बाद हमारी वोट यात्रा अब पहुंच चुकी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की मराठवाड़ा से। सूखे से परेशान मराठवाड़ा में विकास के बादल कितने बरसे, ये जानने के लिए हमने लातूर से अपनी वोट यात्रा का आगाज किया। हमने जाना कि लातूर वासियों का जीवन कैसे चल रहा है। हमने लातूर के दाल किसानों से भी बात की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहती है लातूर की जनता। पिछले कई सालों से यही तस्वीरें लातूर की पहचान बन गई हैं। साल दर साल लातूर बूंद बूंद के लिए तरसता रहता है। पानी लोगों की जिंदगी है और जिंदगी के लिए जंग होती है। सूखे से जूझ रहे लातूर में इस साल भी हालात नहीं बदले हैं। लातूर के आसमान में बादल तो आए लेकिन बरसे नहीं। बैरी बादल ऊपर से ही निकल गए और लोग आसमान की तरफ देखते रह गए। पानी को तरसते लातूर में दाल की बंपर पैदावार होती है। देश के ज्यादातर लोगों की थाली में दाल लातूर से ही पहुंचती है। इसीलिए हमने वोट यात्रा की शुरुआत भी उसी जगह से की जहां दाल ही दाल है। देश की हर थाली में दाल पहुंचाने वाले महाराष्ट्र के जिले लातूर में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। तुअर दाल, जिसे देश के दूसरे हिस्सों में अरहर दाल भी कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र के इस जिले लातूर में होती है। लातूर पिछले कुछ सालों से पानी की कमी की वजह से भी चर्चा में रहा है, तो सरकार की नीतियां पानी की कमी को दूर करने के लिए कितनी सहायक हुई हैं, साथ ही तूर दाल के पैदावार से जुड़े लोगों के लिए सरकार की नीतियां कितनी असरकारक रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम लातूर में। खेत से दाल इस तरह की मंडियों में पहुंचती है। दाल को यहाँ इस तरह साफ किया जाता है। हमें यहाँ दाल साफ करती हुई ये महिलाएं नजर आईं। काफी फुर्ती से महिलाएं अपना काम कर रही थीं। पुरुष दाल की बोरियां उठा रहे थे। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वो किसानों से दाल खरीद लेगी। किसानों ने पीएम मोदी की बात मानी और जमकर दाल उगाई। मराठवाड़ा में इस बार दाल की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन अब समस्या ये है कि उस दाल को खरीदने वाला कोई नहीं। सरकारी सेंटर बंद है, इसीलिए लोग मंडियों में औने पौने दामों पर अपनी दाल बेच रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्हें अपना खर्चा निकालना है और दूसरा भंडारण के लिए इनके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है। लातूर की इस गुड़ मंडी में अरहर, मूंग, उड़द और बाकी तमाम दालें बेची जाती हैं। यहां हमें कई किसान मिले जो आसपास के इलाकों से अपनी फसल बेचने आए थे। हमने किसानों से जाना कि लोगों की थाली में प्रोटीन भरी दाल पहुंचाकर उनकी जेब में कितना मुनाफा पहुंच रहा है। जो आपने लगाया था तुअर, जिस उम्मीद से लगाया था कि इतना फायदा होगा, उतना फायदा हो रहा है क्या तुअर? नहीं नहीं नहीं, फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फायदा हो रहा? क्या एक तो सरकार लेती नहीं है, हमें भाव बोलते है और लेते एक तरफ से। सरकार कितना भाव बोलती है और आपको कितने बेचना पड़ रहा है? अभी हमारे को तो कम से कम 3500 में बेचना पड़ रहा है। तो सरकार ने कितना दाम रखा है? 5500। कुछ भी देता नहीं, उन्हें बात करता है बैठ के। हाँ, देता कुछ भी नहीं, ढोल का सब हो जाता है। अभी आप लोग का हाल जानने आते हैं विधायक या सांसद? कोई भी नहीं आता हमारे हाल जानने के लिए। यानी दाल किसान प्रति क्विंटल करीब 2000 रुपए के घाटे को सह रहे हैं। सरकारी रेट पर भी उनकी दाल बिक नहीं पा रही। मंडी के बाद दाल मिलों तक पहुंचती है, जहां छिलके निकालकर दाल को खाने लायक बनाया जाता है। मंडी में किसानों का हाल जानने के बाद हम भी एक दाल मिल में पहुंचे और हमने दाल की प्रोसेसिंग करने वाले नितिन कलांत्री से बात की। उसके प्रोसेसिंग पे ऑलमोस्ट आप मानिए 450 से 500 रुपए क्विंटल का खर्चा आता है। उसमें 25% कैटल फीड निकलता है, वो 1250 रुपए बिक रहा है। और जो अच्छी वेरायटी सबसे है वो बिक रही है आज 5500 से 5700 रुपए के रेंज में। जो सेकेंड वेरायटी है वो बिक रही 5000 के रेंज में, और थर्ड और फोर्थ वेरायटी और उससे नीचे बिक रही है। आप लोगों को मोटा फायदा हो रहा है? नहीं, मोटा फायदा तो नहीं कह सकते, मार्जिनल प्रॉफिट है ऐसा। लातूर शहर भी दूसरे शहरों जैसा ही है। यहाँ भी भागदौड़ भरी जिंदगी है, सड़कों पर ट्रैफिक है, लेकिन शहर में सिर्फ एक फ्लाईओवर है। इसी शिवाजी फ्लाईओवर पर हमारी मुलाकात खेतीबाड़ी करने वाले विनोद कुमार भूतड़ा से हुई। हमने उनसे जाना कि उनका क्या हाल है और इलाके में कितनी बारिश हुई है।
सर बिल्कुल बारिश नहीं है, कहीं पे भी एक बूंद बारिश नहीं हुआ है, फसल सूख जा रही है, कौन से डैम में पानी नहीं आया, कहीं पानी नहीं आया, पानी की बहुत किल्लत है। फिर से 2016 के पहले वाली स्थिति बन रही है? हाँ बन रही है, बिल्कुल बन रही है, वही स्थिति बन रही है। फिर से ट्रेन से पानी लाना पड़ेगा क्या? फिर से ट्रेन से पानी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मुश्किल है। सिटी में तो सिटी को पानी मिल जाएगा, डैम में अभी पानी है, मगर रूरल एरिया में पानी का बहुत तकलीफ हो जाएगा, फसल के लिए पानी नहीं है, फसल सूख जा रही है पूरी। यहीं पर हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे श्रीकांत मिले। हमने उनसे जाना कि पढ़ाई के बाद नौकरी की कितनी संभावनाएं हैं। हमारे इसमें तो कुछ नहीं है ऑप्शन, हमारे जो सीनियर है वो भी इंजीनियरिंग करके बेकार है, जॉब की वैकेंसी नहीं है, इसलिए तो क्या करेंगे फिर, नौकरी नहीं मिलेगी तो? अब कुछ तो प्राइवेट वगैरह करना पड़ेगा या कुछ अलग इंजीनियरिंग फिर फील्ड दूसरी करनी पड़ेगी। मोदी जी के बारे में सुना है? हाँ सुना है ना। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, लगता है कि पूरा किए हैं? युवाओं की रोजगार को, रोजगार को लेके या दूसरे क्षेत्रों में जो वादे किए थे, लगता है पूरा किया उन्होंने? 50% की है, बाकी के जो है वो अब करेंगे नहीं करेंगे वो, लेकिन जो स्टूडेंट के लिए वो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उनके। मंडी में किसानों और शहर में आम लोगों का हाल जानने के बाद हम लातूर के ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़े। वैसे भी असली भारत तो गांव में ही बसता है। हम शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव पहुंचे। ये गांव इसी साल मई महीने में तब सुर्खियों में आया था जब अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री आलिया भट्ट यहां फावड़ा चलाते हुए दिखे थे। दरअसल वो दोनों यहां पानी फाउंडेशन के लिए काम करने आए थे, क्योंकि इस इलाके में सूखा महामारी की तरह कहर बरपाता है। सुबह के वक्त हम जब गांव पहुंचे तो हर कोई बर्तन उठाकर पानी की जुगत में लगा दिखाई दिया। क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर कोई चंद बूंदों के लिए मशक्कत करता दिखा। इन बूढ़ी औरत जो है, बुजुर्ग औरत की उम्र तकरीबन 70 से 80 साल होगी और फिलहाल जो है ये पानी के लिए सवेरे से जब से हम यहाँ पे हैं लगातार 10 चक्कर ये मार चुकी हैं। क्या स्थिति है, क्या वजह है इसके पीछे और कितने सालों से ये दिक्कत है, ये हम गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे। कौन, क्या नाम है आपका साहब? प्रदीप गोविंद साहू। क्या नाम है? प्रदीप गोविंद साहू। कितने सालों से इसी तरीके से पानी की दिक्कत चल रही है? 4-5 साल से कर रहे हैं सर। 4-5 साल से चल रही है। ये बोरवेल गांव के ही एक शख्स ने लगवाया है। गांव में पानी का दूसरा स्रोत सरपंच का कुआं है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण जलस्तर लगातार घट रहा है। गांव में ही हमें 12वीं क्लास की छात्रा प्रांशा मिली, जो शहर में रहकर पढ़ाई करती है, क्योंकि गांव में रहेंगी तो सारा वक्त पानी भरने में ही निकल जाएगा। सर करीबन 2012 से हमारे गांव में पानी की समस्या चल रही है और उसके कारण हमें, मतलब कोई जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अभी 10th क्लास के होते हैं, कभी 9th के, उनका ईयर मतलब थोड़ा सा हेवी रहता है, उनके लिए पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी होता है और उस टाइम पे इन्हें घर का पानी भरना पड़ता है। पानी भरने के लिए सुबह यहाँ पे देखे तो सरकार ने कोई ये नहीं निकाला कि पानी भरने के लिए गाँव वालों को सुविधा हो, ऐसे कुछ नहीं किया गया। भारत जो है गाँव में बसता है लेकिन गाँव की तरफ ध्यान नहीं। सर गांधी जी ने कहा है गांव के, गांव का विकास यानी अपने देश का, कंट्री का मतलब प्रोग्रेस होगी, मगर वो गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे तो अपने देश की तरक्की कब होगी? आदर्श ग्राम जैसी योजनाएं तो हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव आदर्श तो दूर, बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। हमने गांव की कुछ महिलाओं से जाना कि इस जंग में उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। पीने का पानी मिलता? थोड़ा तो मिलने लगे, वो भी सरपंच का पानी है। बोड़े में पानी नहीं, खेत में तो सारा करड़ होके गया, कुछ नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, पानी बरसात कैसा सो गिरा थे नहीं पानी। मोदी जी का नाम सुने? क्या सुनो उसका, मोदी का, मोदी ने तो करा सारा कारोबार, बहुत करा। अच्छा सरकार से उम्मीद नहीं, मंत्री से उम्मीद नहीं, आमदार से उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। एक बारिश गिरी उस पे फेर दिए, 10-12 हजार रूपए खर्चा खेती को हो गया साहब, उसमें आप सब सूख गया। हमने गांव के अन्य लोगों से भी जाना कि मोदी सरकार से वो कितने खुश हैं। गरीब भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ठीक है, गांव के लोगों के बारे में सोच? अच्छा। हाँ फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए। फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? जो मेन मुद्दा है देश का वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के गांव में पानी नहीं है, पाकिस्तान पानी देगा? फिर मोदी आके देगा क्या? क्या राहुल गांधी आके देगा गांव में पानी?
हमको सबको देश के बारे में सोचना चाहिए और देश नीति विदेश नीति जो है वो बीजेपी की यानी कि मोदी की बहुत अच्छी है। आज जो सारी दुनिया है वो दुनिया में क्या चल रहा है, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है यानी कि हम महासत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। पानी तो गांव में नहीं मिल रहा है ना? नहीं, पानी गांव में बारिश की वजह से नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है गांव में पानी पहुंचाना? सरकार की ट्रेन से पानी पहुंचाया था लातूर में शहर में। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने क्या किया, अब जलयुक्त शिवार के अंदर बहुत पैसा यहाँ पे डाल रखा है। हमारे गाँव में जलयुक्त का बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। गाँव के कुछ लोगों को तो सरकार से अभी भी उम्मीद है, अब सरकार को भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। फतेहपुर गाँव की हालत अच्छी नहीं है। गांव में न पक्की सड़कें हैं न गलियां। गांव के इन्हीं कच्चे रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हमें एक खेत दिखाई दिया जिसमें फसल पूरी तरह से पीली पड़ चुकी थी। पास पहुंचने पर पता चला कि ये सोयाबीन की फसल है, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण अब सूख रही है। इस वक्त फसल में पानी खड़ा होना चाहिए, लेकिन खेत में नमी तक नहीं है। हमने उस किसान का भी हाल जाना जिसकी मेहनत यूं पीली पड़ गई है। बारिश नहीं है, एक बार बारिश हुई है, बाद में बारिश नहीं है। तो ये सारे इस तरीके से सूख के आ गए? सूख के आ गए। ये देखो, ये कैसा है और ये कैसा है। ये जो पहले ये जो सूखे हुए पड़े हैं उनसे कौन सा ये निकला है? हाँ, ये निकला है। और जो नीचे वाला एक आधा जो पौधा अच्छा पानी मिला है उसको, उसका बीज ऐसा होने वाला है। सोयाबीन जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, अगर कोई पौधा फलता फूलता है ठीक से, उसे पानी मिलता है ठीक, तो इस तरीके के बीज जो है उसके अंदर से निकलने चाहिए, लेकिन निकल रहे हैं इस तरीके के बीज। तो क्या दाम मिलेगा इस बीज? नहीं मिलता, ये अपने हाथ को भी नहीं लगता है। ये मशीन में डाले तो ये फल्ली के वो पड़ जो रहता है उसके साथ चले जाता है। वो कोई खरीदता नहीं? नहीं, इसको आता जी नहीं, हाथ को नहीं लगता है। बीमा से पैसे मिलेंगे कुछ इसके? क्या मालूम, वो सरकार को मालूम, आपने क्या मालूम। सरकार ने कुछ बताया नहीं? कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तो कुछ बात पहुँची नहीं है। नहीं। आपने किसानों का हाल जाना, आइए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार इन सब से निपटने के लिए क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार के जलयुक्त शिवार कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया एक छोटा तालाब है। जलयुक्त शिवार यानी कि गांव के बाहर इसी तरीके के छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। पिछले दो सालों में, तीन सालों में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, ताकि जब बरसात हो तो बरसात का पानी जो है वो इन तालाबों में रुके और वाटर टेबल जो कि काफी नीचे चला गया था मराठवाड़ा का, वो ऊपर आ सके। लेकिन 2018 में एक बार फिर से बरसात की कमी है। कम से कम लातूर, उस्मानाबाद और बीड, तीन जिलों में बरसात की कमी है। यही वजह है कि जलयुक्त शिवार का ये जो कार्यक्रम था और उसके अंतर्गत बनाए गए ये जो गड्ढे हैं, ये जो तालाब है, उसमें पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, सरकार को इससे बढ़कर कुछ और पुख्ता इंतजाम करने होंगे। गाँव में पानी का हाल जानने के बाद हम आगे बढ़े और औसा नाम के छोटे शहर पहुंचे। ये एक नगर पालिका है, लेकिन यहाँ की मोमीन गली में भी फतेहपुर गांव जैसे ही हालात हैं। यहाँ भी पानी की भारी किल्लत है। लोग पानी के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं। 8 से 10 दिनों में पानी आता है। जब पानी आता है तो घर के सारे बर्तनों में पानी भर लिया जाता है। ये चांद पटेल के घर की तस्वीरें हैं, जहाँ हर बर्तन में पानी है ताकि आने वाले दिनों में इसे इस्तेमाल किया जा सके। हमें यहाँ 10वीं क्लास के छात्र आष्टिया भी दिखे, जो साइकिल पर 4-4 मटके ले जा रहे थे। ये छोटी सी बच्ची भी दिखाई दी, जो कमर से मटका चपकाए पानी ले जा रही थी। यहाँ ये सभी लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। एक गली में घर के बाहर रंगोली बनाती हुई ये महिला हमें दिखाई दी। हमने उनसे जाना कि गुजर बसर कैसे हो रहा है। पानी आता है मैडम? नहीं आता पानी। आता है मैडम? नहीं आता पानी। कितने दिन पे आता घर पे? 8 दिन को। 8 दिन को काम कैसे चलता है? 8 दिन तक? 8 दिन तक आड़ चल घूम जाता है। कुएं से पानी भर? कुएं से। ये पिछले साल भी यही हाल था कि इस साल है? नहीं, पिछले साल भी यही हाल था, 2 साल से यही चल रहा है। आपके विधायक सांसद आते हैं आप लोग? हाल नहीं आते, कोई नहीं आते। मोदी जी का नाम सुना? सुना है। मोदी जी बोलते कि सबके घर में पानी, सबको मकान, सबको पानी, सबको खाना। कुछ नहीं मिला अब तक, कुछ नहीं मिला, पानी नहीं, रोड नहीं है। मोमीन गली का हाल जानने के बाद हम डिजिटल पेमेंट की मिसाल बनने वाली मिंग शेट्टे के घर पहुंचे।
आपको याद होगा कि कैसे नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लकी ड्रॉ निकाला था। उसी ड्रॉ में श्रद्धा ने 1 करोड़ का इनाम जीता था। श्रद्धा ने 1590 रूपए ऑनलाइन पे किए थे, जिसके बदले उन्हें 1 करोड़ का इनाम मिला। डिजिटल ट्रांजैक्शन से क्या फायदा होगा देश को, उसके बाद पहले पता था और बाद में पता चला, क्या पता चला? मुझे सिर्फ इतना ज्यादा नहीं था कुछ आइडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, बट मैं हॉस्टल लाइफ में थी, मतलब ज्यादा कैश कैरी करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया उसका। हमने दुकान चलाने वाले श्रद्धा के माता पिता से पूछा कि 2019 में वो किसे प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? हो सर, जो भी योजना निकाल रहे हैं वो सही योजना निकाल रहे हैं, इसलिए सबको फायदा होगा उसका। बिल्कुल बनना चाहिए उनका, और वो ही रहना चाहिए, 20-25 साल तक तो वो नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री। करोड़पति बन चुका श्रद्धा का परिवार तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो आपने जाना लातूर वासियों का सियासी मूड। 2014 में बीजेपी के सुनील बलिराम गायकवाड़ ने लातूर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में 6 विधानसभा सीटों वाला लातूर काफी अहम हो जाता है। राज्य की सत्ता में बीजेपी और शिवसेना भागीदार है, इसीलिए अगले चुनाव में दोनों पार्टियों को जनता से किए वादों का हिसाब देना होगा। कांग्रेस और एनसीपी भी मराठवाड़ा में खुद को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लातूर से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी लातूर की जनता की राय। वोट यात्रा में कल हम आपको लेकर चलेंगे मराठवाड़ा के नांदेड़ शहर और जानेंगे क्या कहती है नांदेड़ की जनता। वोट यात्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ